मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर की दुनिया बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन यह बाहर से जितनी खतरनाक लगती है, एक्चुअल में अंदर से उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। जब नवंबर 1991 में लोखंडवाला शूट आउट हुआ था, उस समय लोगों ने सिर्फ एक नाम को बहुत अच्छे से सुना और देखा था, और वह नाम था माया डोलस उर्फ माया भाई का। लेकिन एक और नाम उसी शूट आउट में शामिल था जिस पर लोगों का ध्यान ज़्यादा नहीं गया, और वह नाम था दिलीप बुआ। जब हमने आपको माया डोलस की कहानी सुनाई थी, तब हमने दिलीप बुआ का भी जिक्र किया था, लेकिन उसके बारे में आप सभी को विस्तार से बताया नहीं था। लेकिन आज की इस कहानी में हम दिलीप बुआ की पूरी जिंदगानी लेकर आए हैं। फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में तुषार कपूर दिलीप बुआ के रोल को निभाए थे। इस कहानी में आगे हम देखेंगे कि किस तरह से दिलीप बुआ अमर नाइक और अरुण गवली के बीच फंसते हुए माया डोलस तक जा पहुँचा था। क्या रिश्ता है दिलीप बुआ का रमा भाई नाइक के साथ, यह भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। आपको आगे के वीडियो में दिलीप बुआ की छवि को दिखाने के लिए हम तुषार कपूर के उस फोटो का इस्तेमाल करने वाले हैं जैसा गेटअप उनका शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म में था। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का YouTube चैनल। दिलीप बुआ का जन्म साल 1966 में तब के बम्बई के कांजुर मार्ग में हुआ था। कांजुर मार्ग घाटकोपर के पास एक सब अर्ब है। घाटकोपर शुरू से ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए सबसे मुफीद जगहों में से एक था। वहाँ से एक से बढ़कर एक अपराधी निकला और कई अपराधों को अंजाम दिया। इन्हीं अपराधियों के संगत में दिलीप बुआ भी आ गया और धीरे धीरे वह उस दौर का सबसे बड़ा शार्प शूटर बन गया। 80 के दशक के आखिरी सालों में दिलीप बुआ से बड़ा शूटर कोई नहीं था। दिलीप बुआ का नाम अब मुंबई अंडरवर्ल्ड की गलियों में जोर शोर से घूमने लगा था। उसकी खूबी को देखते हुए रमा भाई नाइक ने उसको अपना बॉडीगार्ड बना लिया। रमा भाई नाइक सेंट्रल मुंबई का एक गैंगस्टर था जिसका उस दौर में सिक्का चलता था। रमा भाई नाइक दाऊद इब्राहिम से अलग रहकर काम कर रहा था, इसलिए उसका अपना एक अलग रुतबा था। तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए, यह बात रमा भाई नाइक को जरा देर से समझ में आई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटा राजन उसकी फील्डिंग लगा चुका था। यह फील्डिंग दाऊद इब्राहिम के इशारे पर लगाई गई थी और इसका जिम्मा सौंपा गया था उसी के बॉडीगार्ड दिलीप बुआ को। लालच इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता है। दिलीप बुआ फिसल गया था और उसने रमा भाई नाइक को चेंबूर में सरेआम गोली मार दिया। दिलीप बुआ को इसका इनाम मिला और अब वो डी कंपनी का एक हिस्सा बन चुका था। अब यहाँ पर एक दिलचस्प कहानी सुनिए। जब दिलीप बुआ डी कंपनी में था और माया डोलस अरुण गवली के साथ, तो दोनों एक साथ कैसे आ गया? तो मेरे दोस्त, मुंबई अंडरवर्ल्ड का जाल कुछ इस तरह से बुना हुआ है कि इसका हर एक सिरा एक दूसरे सिरे को जाकर मिलता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आगे की कहानी सुनिए। माया डोलस अरुण गवली के साथ काम कर रहा था, लेकिन एक और गैंग था जिसका अरुण गवली के साथ दुश्मनी चल रहा था। उस गैंग का नाम था अमर नाइक गैंग। माया डोलस अमर नाइक के गैंग में नाक में दम किए हुआ था। लगातार गैंगवार हो रहे थे। अमर नाइक किसी भी कीमत पर माया को मारना चाहता था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो रहा था। फिर एक दिन अरुण गवली के गैंग और अमर नाइक के गैंग में सेटलमेंट हो गया। बदले में अमर नाइक ने अरुण गवली से माया डोलस को मांगा ताकि उसका खेल खलास किया जा सके। अरुण गवली ने हामी भर दी। यहीं पर माया भागा और पहुँच गया डी कंपनी में। माया डोलस का अपना खुद का जलवा था ही, और डी कंपनी में जाकर उसे दिलीप बुआ का साथ मिला। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन दोनों दुबई में जाकर बैठ गया था और बम्बई को माया और दिलीप के हाथों में सौंप दिया। यहीं से माया डोलस और दिलीप बुआ की जोड़ी जमी। दिलीप बुआ शांत खोपड़ी का शार्प शूटर था, जबकि माया गर्म खून का। बुआ किसी को भी मारने से पहले हिचकिचाता नहीं था। इस बात के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि भांडुप के एक बस स्टैंड पर दिलीप ने दो लड़की को सिर्फ इसीलिए गोली मार दिया था क्योंकि वह लड़की दिलीप को देखकर हंस रही थी। माया और दिलीप अब बम्बई पर राज करना शुरू किया। उसके सर पर डी कंपनी का हाथ था जिससे यह काम और आसानी से हो रहा था। लेकिन दिक्कत तभी शुरू हो गई जब माया और दिलीप बुआ ने अपने बॉस का सुनना भी बंद कर दिया। उसका बॉस यानी कि दाऊद इब्राहिम। इन्हीं सब कुछ घटना के बाद होता है शूट आउट एट लोखंडवाला। इस शूट आउट में दिलीप बुआ और माया समेत कुल 6 लोग मारे जाते हैं। इस शूट आउट की कहानी आपको हम माया डोलस वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। यहां से दोबारा हम आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। माया डोलस यानी कि शूट आउट एट लोखंडवाला वाले वीडियो को हम ऊपर के आई बटन में भी छोड़े जा रहे हैं, जहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं।
तो यही थी अपने ज़माने के बेजोर शार्प शूटर दिलीप बुआ की पूरी कहानी। इस कहानी के संदर्भ में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, हमें खुशी होगी अगर वहाँ आप कुछ लिखेंगे। मुंबई अंडरवर्ल्ड के बाकी के डॉन्स का वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मौजूद है। लिंक पर क्लिक कीजिए और देखते रहिए। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।